दो लोग आगे बढ़े थे, गिरकर फूंक मार रहा था, मेंढक उसमें पानी डाल रहा था। गिरकर की फूंक इतनी सी निकलती है और मेंढक अगर खुद पानी ले आएगा तो दो फूंक चार फूंक। दोनों लेकर आए थे तो मेंढक से गिरकर से पूछा गया कि इसमें फूंक क्यों मार रहा है, जो इतना बड़ा आतिशकदा है, आज के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, इतनी भड़कती हुई आग में तू क्यों फूंक मार रहा है। तो उसने कहा था कि मैं इसलिए फूंक मार रहा हूँ कि ये आग की चिंगारियां और भड़क जाए ताकि इब्राहिम गिरे और उनकी हड्डियां तक जल जाए। कहा क्या तेरे इस फूंक मारने से यह आग भड़केगा, इतना बड़ा आतिशकदा और तेरा मुंह इतना बड़ा, इससे यह आतिशकदा भड़केगा। तो उसने कहा था वो आग भड़के ना भड़के, इब्राहिम जले न जले, लेकिन दुनिया तारीफ लिखेगी तो लिखेगी इब्राहिम को जलाने में एक गिरगट का भी हाथ था, उसने साथ दिया था। मेंढक से पूछा गया तू बता तू क्यों आया है, उसने कहा पानी डालने आया हूँ, क्यों तेरे मुंह में तो एक बूंद पानी है, इससे यार बुझ जाएगा, इतना बड़ा आतिशकदा बुझाएगा तू, ना बुझा पाऊ ना बुझा पाऊ। लेकिन जब दुनिया बयान करेगी इब्राहिम का जिक्र, जब अपने मुंबरों पर करेगी, स्टेज पर करेगी, किताबों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्करे होंगे, तो वहां पर यह भी जिक्र किया जाएगा कि जब बाबिल के काफिर, जब बाबिल के लोग इब्राहिम को जलाने की कोशिश कर रहे थे, तब इब्राहिम की वफादारी में वो पानी लेकर आया था आग बुझाने के लिए। दुनिया वफादारों का मेरा नाम लिखेगी, आए लोग ये झंडा लगाने से या न लगाने से मुस्तफा की साथ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लगाओगे तब भी, नहीं लगाओगे तब भी, मेरा रसूल कल भी बड़ा था, अफजल था, इमामुल अंबिया है, महबूब है, परवरदिगार है, उसकी साथ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी अजमत तुम्हारे हटाने से घटने वाली नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, लगा दोगे दुनिया देख कर तुम्हारे घर को रहेगी, इसके घर पर ईद मिलाद उन नबी की खुशी में झंडा लगाया गया है, हो ना हो वफादारी मुस्तफा है, वफादारी का सबूत अपने सर पर रखे हुए है। इस वफादारी को जिंदा रखने के लिए आपको ईद मिलाद उन नबी मनाना पड़ेगा, इस वफादारी को साबित करने के लिए आपको जुलूस में मोहम्मदी निकालना पड़ेगा, इस वफादारी का सबूत देने के लिए आपको यूं ही हमेशा के तक आपके जिस्म में जान रहे ईद मिलाद उन नबी मनाते रहो। अब तो जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी कल भी देख रहे थे तुम्हें, आज भी देख रहे हैं। आप पैद रुपया खर्च करना इश्क के साथ जाया नहीं जाएगा, लिहाजा आप ये काम करते रहे। उम्र दराज मान के लाए थे चार दिन, द्वार इंतजार में खून की सरे चमर फूल की निशान है, रात भर जाता है जमाल गुलशन के आवाज़ से।